डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट बहुत बार अपने रूटीन डाइट में ओट्स इंक्लूड करना कहते हैं, क्योंकि ओट्स प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब का संपूर्ण खजाना है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोलेस्ट्रॉल 0% है। जैसे आप जानते हैं कि सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि पूरा दिन आप एनर्जेटिक और फ्रेश फील करें, और इसीलिए ब्रेकफास्ट में ब्रेड, मिल्क, एग, फ्रूट सलाद, ऐसी सब चीजें खाई जाती है। लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए ओट्स खाना काफी अच्छा ऑप्शन है, जिससे प्रोटीन और कैल्शियम मिलेगा। और ओट्स लाइट वेट होते हैं, इसीलिए इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई भी इंसान रोज रोज एक ही चीज खाकर बोर हो जाता है, और इसीलिए हम खाने में भी डेली अलग अलग वैरायटी की सब्जियां, दाल बनाते हैं। तो क्या ओट्स को भी टेस्टी और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं? आज मैं आपको इस वीडियो में ओट्स के कुछ रेसिपीज बताऊंगी जो आप ट्राई कर सकते हैं, और उसके सिवा ओट्स खाने के और कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी बताएंगे। पर अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का ही गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहले ओट्स की वजह से हेल्थ को कौन से बेनिफिट्स होते हैं वो जानते हैं, उसके बाद हम ओट्स को टेस्टी बनाने के रेसिपीज देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ओट्स। बेटर स्किन। जिनको स्किन पे एक्जिमा, रैशेस, डर्माटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें ओट्स तो जरूरी खाने ही चाहिए, क्योंकि ओट्स इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ट्रीट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और ओट्स में विटामिन, जिंक और मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत है, जिससे स्किन भी हेल्दी दिखती है। मैंगनीज पिंपल्स का स्वेलिंग और इन्फ्लेशन रिड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग मसल्स। अगर आप स्ट्रॉन्ग मसल्स बिल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रोटीन के सिवा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की भी जरूरत होती है। जो लोग मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ओट्स खाना काफी यूजफुल है। लॉन्ग वर्कआउट के बाद ओट्स से मिलने वाले प्रोटीन और कार्ब्स बॉडी को एनर्जी देते हैं। वर्कआउट के बाद एटलीस्ट हाफ कप ओटमील खाने से बॉडी को 15% प्रोटीन मिलता है। कम्प्लीट एनर्जी। मॉर्निंग टाइम में एनर्जेटिक फूड खाने की बहुत जरूरत होती है, जिससे आप दोपहर के लंच तक फुल्ली एनर्जेटिक और फ्रेश फील करें। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ओट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ओट्स के कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स मिलने के लिए वो ड्राई खाना ज्यादा अच्छा है। लूज वेट। ओट्स में जो हाई सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, उससे आपका पेट भरा रहता है और भूख कम लगती है, जिस वजह से वेट भी मेंटेन रहता है। और जैसे कि मैंने कहा, ओट्स में जीरो कोलेस्ट्रॉल है, इसीलिए वेट ज्यादा इंक्रीज होने का चांस भी नहीं है। और जो न्यूट्रिएंट्स की मैंने बात की, उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बूस्टअप होता है। कोलेस्ट्रॉल विल डिक्रीज। ओट्स में लिनोलिक एसिड और सोल्यूबल फाइबर होता है, जिससे बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होता है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक आने की रिस्क कम हो जाती है। स्पेशली ओट्स का बीटा ग्लूकिन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल कम होने से हार्ट डिजीज की रिस्क भी कम हो जाती है। ओट्स से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स तो जान लिए, अब देखते हैं कुछ ओट्स रेसिपीज, जिससे बोरिंग ब्रेकफास्ट में टेस्टी ओट्स इंक्लूड करके आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ओटमील रेसिपी। एप्पल पाई ओटमील। पहले देखते हैं एप्पल पाई ओटमील बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। एक कप स्टील कट ओटमील, 2 कप आलमंड मिल्क, 2 टीस्पून दालचीनी, 2 टीस्पून मैपल सिरप, 2 बड़े पील्ड एप्पल्स और 1 कप एप्पल सॉस। प्रोसीजर। आलमंड मिल्क, ओट्स, मैपल सिरप और दालचीनी पैन में एक एक करके डालें और उसे धीरे से स्टर करें, जब तक मिल्क अब्सॉर्ब नहीं हो जाता ओट्स में। फिर उसमें एप्पल सॉस मिक्स करें, और हो सके तो अनस्वीट एप्पल सॉस यूज करें। फिर पील्ड एप्पल्स के छोटे पीसेस करके उसमें ऐड करें। सारा लिक्विड अब्सॉर्ब होने में 15 मिनट लगते हैं, और उसके बाद आपका एप्पल पाई ओटमील एकदम रेडी है। आलमंड बटर बनाना ओटमील। इस रेसिपी से आपको ओटमील के साथ बनाना से भी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए सबसे हेल्दी है, जिसमें आलमंड, बनाना और ओटमील का कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और बनाने का कैसे है। 1 कप स्टील कट ओटमील, 2 कप आलमंड मिल्क, 2 टीस्पून आलमंड बटर, 2 टीस्पून हनी और 1 बनाना। प्रोसीजर। ओटमील को आलमंड मिल्क के साथ सॉस पैन में मिक्स करें, जब तक मिल्क अब्सॉर्ब नहीं होता लो फ्लेम पर उसे गरम करें। उसके बाद बनाना के थिन स्लाइसेस करके लें, और मिल्क अब्सॉर्ब होने आए तब उसमें आलमंड बटर और हाफ बनाना स्लाइसेस डालें। मिक्सचर को स्टर करें, जब तक बाकी का लिक्विड अब्सॉर्ब नहीं हो जाता है। उसके बाद उसमें 1 टेबलस्पून हनी डालें और बचे हुए बनाना स्लाइसेस भी ऐड करें। तो
ये थे ओट्स को हेल्दी के साथ टेस्टी बनाने के लिए रेसिपीज। ये रेसिपीज आप ब्रेकफास्ट में जरूर ट्राई करें और अपनी रूटीन डाइट में ओट्स खाना शुरू करें, जिससे आपको एनर्जी के साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इन रेसिपीज के सिवा कोई और ओट्स रेसिपी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।